हेलो एंड वेलकम टू साइथामेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, कॉनकेव लेंसेज एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। हमने ये देखा था कि ये क्या होते हैं और इनके सामने जब आप डिफरेंट डिस्टेंसेज पर ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो किस किस तरह की इमेजेस इनमें फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अब हम यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बिना रे डायग्राम बनाए, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, रे डायग्राम बना के हमने फाइंड किया था कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रे डायग्राम्स बनाए बिना ही क्या हम पता लगा सकते हैं कि किसी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी और उस इमेज का साइज़ कितना होगा। ठीक है, ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिफ्रेक्शन बाय लेंसेज के कंसेप्ट का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे इसका और हम कोई फॉर्मूला बनाएंगे जिस फॉर्मूला की हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी और किस तरह की बनेगी। अब अगर हमें फार्मूला बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंसेज मेज़र करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितनी दूर रखा है, हमारे लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें मेज़र करनी पड़ेंगी। तो अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है लेंस के सामने तो इमेज लेंस की दूसरी तरफ भी बन सकती है और लेंस के उसी साइड भी बन सकती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई कि डिस्टेंसेज को हम मेज़र कैसे करें। तो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए अब कोई भी डिस्टेंस हमें मेज़र करना है, हमें कह रहे हैं ये ए पॉइंट तक का डिस्टेंस मेज़र कीजिए, तो हमें कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना कि इस पॉइंट से स्टार्ट करके हम यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, तो वो कुछ और आएगा। अगर हम इस ए पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से मेज़र करेंगे तो वो कुछ और आएगा, इस ए पॉइंट का डिस्टेंस हम और कहीं से मेज़र कर रहे होंगे तो वो कुछ और आएगा। तो इन डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हमने क्या बनाए हुए हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि ये रूल्स फॉलो करेंगे हम जब भी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि किसी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी। उन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं साइन कन्वेंशंस या नियो कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये रूल्स हैं क्या क्या कहते हैं, ये सेम उसी तरह के रूल्स हैं जैसे हमने मिरर के केस में पढ़े थे अगर आपको याद होंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है उसे हम ओरिजिन मान के चलते हैं। इसका क्या मतलब है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो हमारी स्क्रीन है ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक टू डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, जिसमें हमने दो लाइंस बना रखी हैं, एक ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और एक ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया हुआ है कि हम अपने लेंस को इस तरह से रखे हुए हैं इस कार्टेशियन प्लेन पर कि इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हमारे कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन है। ठीक है, इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हमारे कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन है। ठीक है, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस हमने इस तरह से रखा हुआ है कि ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन पर आ रहा है, या ये कॉनकेव लेंस हमने इस तरह से रखा हुआ है कि इसका ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन पर आ रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम क्या मानकर चल रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन मानकर चल रहे हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज टेकन एज द एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है इसमें एक्स एक्सिस हम किसको मानकर चल रहे हैं, हमारे लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस, याद होगा आपको जो C1 और C2 को ज्वाइन करके हमने लाइन बनाई थी जिस पर ऑप्टिकल सेंटर लाई करता है, तो उस प्रिंसिपल एक्सिस को हम अपने कार्टेशियन प्लेन की एक्स एक्सिस मानकर चल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस को ही हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, हमेशा लेंस के लेफ्ट में रखते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट को हम राइट में नहीं रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहाँ रखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है अगर ये पर्पल वाला, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के
लेफ्ट में ही हम रखेंगे। आपको याद होगा मिरर में भी हम इसी तरह से ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही रखते हैं। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है किधर किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आप डिस्टेंस को हमेशा कहाँ से मेज़र करना शुरू करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेज़र करना शुरू करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए लेंस से, तो हम क्या करेंगे इस ऑप्टिकल सेंटर से हम चलेंगे लेफ्ट की तरफ, ये ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस हमें मिलेगा ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस लेंस से। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, सेम वैसे ही जैसे मिरर के केस में करते थे, इसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल यू क्या है, ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए हम किधर चल रहे हैं, हम लेफ्ट की तरफ को चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर ये सपोज़ ये हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट की, तो इमेज तक पहुंचने के लिए अगर आपको लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस चाहिए तो कहाँ से मेज़र करना शुरू करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, इस पॉइंट से। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक पहुंचने के लिए हमें किधर चलना पड़ रहा है, हमें यहाँ पर राइट की तरफ चलना पड़ रहा है। तो ये क्या है कि ओ से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। स्मॉल वी का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज अगर लेंस के दूसरी तरफ बन रही है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उस तरफ नहीं बन रही है, दूसरी तरफ बन रही है, तो इमेज तक पहुंचने के लिए हम चल रहे हैं राइट में, है ना। और अगर सपोज इमेज जो है वो बनती है उसी तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब हम इमेज तक पहुंचने के लिए किस तरफ को चलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ को चलेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, वी ही कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। उसके बाद क्या पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन यानी अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ये भी सेम वही रूल है जो आपने पढ़ा है मिरर के केस में। क्या पढ़ा है आपने, ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। राइट की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए भी हम कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कैसा होगा, उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। जैसे अगर इमेज हमारी लेंस के राइट में बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में बन रही है, तो हमें किधर जाना पड़ा, इस तक पहुँचने के लिए राइट में जाना पड़ा। सपोज़ ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट है, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में कि v इज इक्वल टू प्लस 5 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन अगर हमें हमारी इमेज उसी साइड बन रही है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, सपोज़ कीजिए ये डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट है, तो हम इस केस में क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू -2 यूनिट्स। यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप राइट की तरफ जा रहे हो तो डिस्टेंस को पॉजिटिव मानेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो डिस्टेंस को आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर रखा हुआ है, हमेशा लेंस के लेफ्ट में रखा है, तो यू को हम हमेशा नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंसेज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंसेज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। अगर आप अभी तक तो हम बात किसकी कर रहे थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, अब हम कैसे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हम यहाँ पर क्या मेज़र करना चाह रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट जिसे हम क्या बोलते हैं, एच ओ या फिर सिर्फ एच बोल सकते हैं, और इमेज की हाइट या इमेज की हाइट हम मेज़र कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एच आई या फिर हम इसको एच डैश भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेज़र करना है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से अगर आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं,
एक्स एक्सिस से आप ऊपर की तरफ मूव करें, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस कैसा मानेंगे आप? उसको आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं और हमेशा इसी तरह से सीधा ही रखते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। इमेज की हाइट अगर हम देखें, अगर इसको मेज़र करने के लिए, मेज़र कहाँ से करना शुरू करेंगे? एक्स एक्सिस से ही मेज़र करना शुरू करेंगे। तो एक्स एक्सिस से हमें किधर को जाना पड़ रहा है? नीचे की तरफ को जाना पड़ रहा है इस इमेज की हाइट मेज़र करने के लिए। तो इस इमेज की हाइट कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? हम नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन इमेज अगर सेम साइड पर बन रही है लेंस के, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? एक्स एक्सिस से आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है हाइट मेज़र करने के लिए। तो ये वाली इमेज की हाइट कैसी हो जाएगी? ये इमेज की हाइट हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये वाली हाइट हो जाएगी पॉजिटिव, यानी इमेज अगर इन्वर्टेड है तो हाइट उसकी नेगेटिव है, इमेज अगर इरेक्ट है तो उसकी हाइट पॉजिटिव है। ठीक है, यही कुछ रूल्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं जब हम हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हम मैथमेटिकली ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है और किस तरह की बन रही है। और इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से देख लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, आपको याद होगा जब हमने मिरर के केस में बात की थी, तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इस पर सपोज़ हमने एक रखा हुआ है कॉनकेव मिरर, वहाँ पर डिस्टेंसेस हम मेज़र करते थे पोल से। तो हमने क्या देखा था कि क्योंकि इस कॉनकेव मिरर की जो का जो फोकस है वो किधर है? वो है पोल के लेफ्ट में, तो इस फोकस तक जाने के लिए हमें लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, यानी इसकी फोकल लेंथ को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्योंकि उसके अंदर होता है, तो उस तक जाने के लिए हमें राइट डायरेक्शन में चलना पड़ता है पोल से, तो उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अब लेंस में तो प्रॉब्लम क्या है कि लेंस में तो फोकस इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा? बस कन्वेंशनली हमने डिसाइड कर रखा है कि किसकी फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव मानेंगे और किसकी फोकल लेंथ को हम नेगेटिव मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेम जैसा मिरर में हम मानते थे वैसा ही हम लेंस में भी मान लेते हैं। हम कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते थे, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को भी हम पॉजिटिव लेंगे। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते थे, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को भी हमेशा हम नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस आपको गिवन है तो फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस गिवन है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट की अगर हम बात करें, जिसको हम एच या एच ज़ीरो इससे डिनोट करते हैं, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट तो हमेशा कैसा रखा है हमने? सीधा ही रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए अगर हम एक्स एक्सिस से चलेंगे, तो हमेशा हमें ऊपर की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव आप कंसिडर करोगे। इमेज की हाइट की अगर हम बात करें, अगर इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, तो अब इसकी हाइट मेज़र करने के लिए आपको एक्स एक्सिस से किधर को जाना पड़ेगा? नीचे की तरफ को जाना पड़ेगा, तो इसकी हाइट कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो इन्वर्टेड इमेज के लिए तो हाइट को हम नेगेटिव लेंगे, और अगर हमारी इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसकी हाइट मेज़र करने के लिए आपको एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसकी हाइट को आप पॉजिटिव लेंगे। तो अगर इरेक्ट इमेज है तो हाइट पॉजिटिव, इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट नेगेटिव। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, नहीं यहाँ पर हम मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? लेंस की बात कर रहे हैं, और लेंस में पोल तो होता नहीं है, लेंस में क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से जब हम मेज़र करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ऑब्जेक्ट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में रखा है, तो आपको ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए हमेशा लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो आप कैसा कंसिडर करेंगे? यू को हमेशा आप नेगेटिव ही लेकर चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस हमेशा हमें क्या लेना है? नेगेटिव। यू हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम बात करें इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस,
लेंस की ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर है ऑप्टिकल सेंटर, कार्टेशियन प्लेन के सेंटर में हमने उसे कंसिडर किया हुआ है। तो अगर इमेज बन रही है इसके राइट में, ठीक है, इसके राइट में बन रही है, तो इमेज का डिस्टेंस, इमेज तक पहुंचने के लिए आपको कैसे जाना पड़ रहा है? राइट में जाना पड़ रहा है। तो इमेज के डिस्टेंस यानी वी आप क्या कंसिडर करेंगे? आप इस केस में पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। लेकिन इमेज अगर बन रही है उसी तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा था, यानी ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, यानी इस केस में वी को आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा, अगर आप ध्यान देंगे इस बात पर, ये सपोज़ हमारा लेंस है, अब जो लाइट रेज आ रही हैं लेंस से आकर टकरा रही हैं, तो क्या होता है? लेंस तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट रेज तो इसके आर पार हो जाती हैं, तो ये लाइट रेज एक्चुअल में जाकर राइट में, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में कहीं पर मीट कर रही हैं, है ना। तो अगर इमेज आपकी राइट में कहीं बन रही है तो वो इमेज हमेशा कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। और राइट में इमेज का मतलब क्या है कि वी कैसा है? उसका पॉजिटिव है, क्योंकि इमेज तक पहुंचने के लिए हमें जाना पड़ रहा है किधर? ऑप्टिकल सेंटर से राइट में। तो वी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। लेकिन अगर इमेज बन रही है हमारी उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमें पता है, जैसे आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने देखा था, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इमेज उसकी कहाँ पर बनती है? इमेज जो है उसकी उसी साइड पर बनती है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता है। तो इमेज अगर हमारी बन रही है लेफ्ट में, तो तब कैसी इमेज बनती है? तब हमने देखा था कि जो लाइट रेज जा रही हैं यहाँ से, वो एक्चुअल में तो कभी भी मीट नहीं होती, हमें बस वो मीट होती हुई एक पॉइंट पर दिखाई देती हैं। तो उस केस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वो बनती है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनेगी? जब वो उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड पर तो लाइट रेज एक्चुअल में आकर मीट नहीं कर रहे हैं, लाइट रेज तो एक्चुअल में लेंस के आर पार हो गई हैं, तो इस साइड तो कोई लाइट रे एक्चुअल में आकर मीट नहीं कर रही है। इस साइड इमेज बनने का मतलब है कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यानी वी नेगेटिव होने का मतलब है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अभी तक ऊपर आपने जितने भी पॉइंट्स देखे थे वो सब आपकी सेम थे जैसे आपने मिरर में कंसिडर किए थे, लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये पॉइंट बाकी पॉइंट से मिरर के केस में और लेंस के केस में बिल्कुल उल्टा है। मिरर के केस में हमने क्या देखा था कि क्योंकि मिरर तो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो कोई लाइट रेज से टकरा रही है तो वापस आनी है, कोई लाइट रेज से टकरा रही है तो वापस आनी है, तो एक्चुअल में लाइट रेज किधर मीट कर रही हैं? मिरर के सामने मीट कर रही हैं। तो इस केस में जो इधर मिरर के सामने यानी पोल के लेफ्ट में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। यानी अगर इस केस में, अगर मिरर के केस में अगर वी नेगेटिव होगा तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। वी पॉजिटिव होने का मतलब मिरर के केस में क्या था कि इमेज मिरर के अंदर बन रही है, और मिरर के अंदर तो कोई लाइट रे मीट नहीं कर सकती, तो यहाँ पर वी पॉजिटिव था तो इमेज जो थी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि लाइट रेज लेंस के आर पार हो जाती हैं, उससे टकराकर वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है। तो रियल इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ पर लाइट रेज सच में जाकर मीट करेंगे, यानी ऑप्टिकल सेंटर के राइट में, यानी वी कैसा होगा उसके लिए? पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज कब बनेगी? जब हमें लाइट रे किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है, एक्चुअल में वहाँ पर वो मीट नहीं कर रही, यानी वो बनेगी ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में, तो उसके लिए वी अभी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम वही है जो मिरर के केस में हमने कंसिडर की थी। तो थोड़ा सा और देखते हैं इसको आगे। जैसे हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, ऐसे ही यहाँ पर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में। मिरर फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/v + 1/u = 1/f, क्या था ये? मिरर फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से अगर हमें दो चीज़ें पता हैं तो तीसरी चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेंस फॉर्मूला क्या है? बस यहाँ प्लस साइन की जगह हो जाएगा माइनस साइन, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ये वी क्या है? वी है इमेज का डिस्टेंस, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं हम सारे डिस्टेंस। और ये यू का क्या है? ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। और ये एफ क्या है? ये एफ है हमारे लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? जैसे हमने मिरर के केस में भी बात की थी, तो इस फॉर्मूला का डेरिवेशन तो आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। डेरिवेशन कहाँ पढ़ेंगे हम इसका? क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी 10th क्लास में आपको क्या करना है? जस्ट इसको आपको याद रखना है। लेंस फॉर्मूला क्या है? वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ठीक है, फिर आती है बात मैग्नीफिकेशन की। ये भी सेम वही चीज़ है जो हमने मिरर में पढ़ी थी। तो मैग्नीफिकेशन एक ऐसा नंबर है जो हमें बताता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में कितनी है। निकालते कैसे हैं इसे हम? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन सपोज आपका 2 है, आपने कैलकुलेट किया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपके पास क्या आया? 2। इसका मतलब क्या है? मैग्नीफिकेशन 2 होने का मतलब है कि ये जो इमेज है इसकी लेंथ, इसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 2x है। जैसे कैसे? सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बड़ा एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, और इमेज जो उसकी बन रही है वो 4 सेंटीमीटर की बन रही है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 4 अपॉन 2, यानी कि 2। ठीक है, तो आप हमें क्या दिखाई दे रहा है? इमेज की हाइट, मैग्नीफिकेशन 2 होने का मतलब ये है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 3 सेंटीमीटर होती तो इमेज की हाइट 6 सेंटीमीटर होती, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 4 सेंटीमीटर होती तो इमेज कितनी बड़ी बनती? इसकी 2x यानी 8 सेंटीमीटर की इमेज फॉर्म होती। ठीक है, ऐसे मैग्नीफिकेशन सपोज आपके पास नंबर आ जाता है 1/2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की हाफ है, 1/2 है। यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है तो हमारी जो इमेज है वो कितनी बन रही है? वो 2 सेंटीमीटर बड़ी बन रही है। तो मैग्नीफिकेशन वो नंबर है जो हमें बताता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में कितनी है। कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है? मैग्नीफिकेशन और किसकी इक्वल होता है? v अपॉन u। याद होगा आपको मिरर के केस में हमने देखा था मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल है? प्लस, यहाँ माइनस साइन नहीं है, v अपॉन u के इक्वल है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ये m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये भी कहाँ से आया? इसके बारे में, इसका डेरिवेशन भी हम कब पढ़ने वाले हैं? क्लास 12th में हम पढ़ने वाले हैं, 10th में हम सिर्फ इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये जो m की वैल्यू आपके पास आई है ये नेगेटिव आती है, m आपके पास आ गया कोई नेगेटिव नंबर, जैसे माइनस का 2 आ गया। इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की कैसा नंबर है? ये नेगेटिव नंबर है। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम कैसे रखते हैं? हमेशा एक्स एक्सिस के सीधा ऊपर इस तरह से रखते हैं। हाइट की, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव है, तो ये मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कब आएगा? जब ये इमेज की हाइट नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव ही तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव आता। तो मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब हमारी जो इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज वो कैसी है? वो नेगेटिव है। जैसे सपोज माइनस 3 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि हमारी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ऐसे ही मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? अब हमें पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये एच आई अपॉन एच ओ पॉजिटिव कब आएगा? जब इमेज की हाइट भी पॉजिटिव ही होगी। इमेज की हाइट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इमेज हमारी इस तरह से बन रही है एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ को, तो इसका मतलब हमारी इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, तो एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, इसको देखकर हमें
इमेज की नेचर पता चल सकती है। एम नेगेटिव है तो इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है, एम पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तीसरी बात, जो जैसा कि हमने मिरर के केस में भी डिस्कस किया था, अगर हम बात करें हैं मॉड ऑफ एम की, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एम, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो प्लस का 2 है या वो माइनस का 2 है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी ये नंबर देख रहे हैं सिर्फ, हमें इसके साइन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से बड़ा नंबर है। मैग्निफिकेशन कितना होता है, एच आई अपॉन एच ओ। ये 1 से बड़ा कब आएगा, जब न्यूमरेटर वाली वैल्यू बड़ी होगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी होगी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इमेज की हाइट ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट की हाइट कम है। तो अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से बड़ा आता है, मैग्निफिकेशन जो हम बिना साइन के देख रहे हैं, साइन को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे, प्लस माइनस को हम नहीं देख रहे, सिर्फ इस नंबर पर हम ध्यान दे रहे हैं। ये जो नंबर है ये अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। तो इमेज हमारी कैसी है, हमारी इमेज एनलार्ज्ड है। और अगर ये नंबर आ जाता है 1 से छोटा, ये नंबर अगर आ जाता है 1 से छोटा, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है। तो उस केस में हमारी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वो बन रही है डिमिनिश्ड, ठीक है। और कहीं अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 आ जाता है, चाहे वो प्लस का 1 आ रहा है चाहे वो माइनस का 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एच आई अपॉन एच ओ 1 आने का मतलब क्या है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू 1। इसका सीधा सा मतलब क्या है, एच आई इज इक्वल टू एच ओ। ये 1 कब आएगा, जब ये नंबर और ये नंबर इक्वल होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल होगी, ठीक है। प्लस 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की इक्वल तो है, लेकिन हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। माइनस 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट तो इक्वल है लेकिन हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये सारी बातें हम ध्यान रखेंगे जब हम अपने क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम अपने आंसर्स जो भी हमारे आएंगे उन्हें हमें इसी तरह से इंटरप्रेट करके इमेज की नेचर फाइंड करनी पड़ेगी। तो एक तो क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं, उससे आपको अच्छे से और आइडिया होगा कि हम यहाँ पर ये सारी बातें जो हमने की हैं पीछे वो क्या हम कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल 1, एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस इस तरह का लेंस है एक, ठीक है, बीच में से पतला है, किनारों पर से मोटा है, और इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है तो हमें पता है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हम कन्वेंशनली कैसा मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो हमें फोकल लेंथ कितनी लेकर चलेगी चलनी पड़ेगी, यहाँ पर -15 सेंटीमीटर लेकर चलनी पड़ेगी। यहाँ अगर लिखा होता कॉन्वेक्स लेंस तो हम फोकल लेंथ कितनी लेकर चलते, +15 लेकर चलते, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हमें पूछा है ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें लेंस के सामने, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, यानी हमें क्या निकालना है, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इस तरह से कि इमेज जो है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बने। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको तो ये नहीं पता कि इमेज इधर बन रही, इधर 10 सेंटीमीटर मान के चलना है या उधर, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर तो हमें दिया है, ठीक है, वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि ये हमें प्लस का 10 सेंटीमीटर लेना है या माइनस का 10 सेंटीमीटर लेना है। अब हमें पता है इमेज अगर इधर बन रही होगी ऑप्टिकल सेंटर के राइट में तो हम इसको प्लस का 10 लेंगे, अगर वो लेफ्ट में बन रही होगी तो हमें उसे माइनस का 10 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके काम आएगा जो हमने पीछे रे डायग्राम्स बनाए थे, आपको याद होगा कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज देता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है, ये कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो बनाता ही नहीं है। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड इन साइज, ऐसी इमेज हमेशा ये बनाकर हमें देता है। तो इमेज इसका मतलब कहाँ बन रही होगी, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है तो लेंस के राइट में तो नहीं बन रही होगी, तो ये कहाँ बनेगी, ये ज़रूर लेंस के
लेफ्ट में ही बन रही होगी। वर्चुअल है तो हम इसे डॉटेड कर देते हैं, ठीक है, ये डॉटेड इमेज है, डॉटेड कर दिया है हमने इसे दिखाने के लिए कि ये वर्चुअल है। तो ये क्या है, ये बन रही है हमारी इमेज। तो क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बनेगी। तो ये कैसी होगी, ये जो वी की वैल्यू है ये कैसी होनी चाहिए, ये नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी वी की वैल्यू जो 10 सेंटीमीटर दे रखी है उसको रख लिया नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, हमें एक तो बताना है एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ये तो यू तो हमें निकालना ही, इसकी तो हम बात कर चुके। एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, और हमें मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं, तो दो चीज़ें तो हमें पता ही है, एफ हमें पता है और वी हमें पता है, तो हम यू बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, कैसे, लेंस फार्मूला लगा कर। अब लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, वैल्यूज़ रख देते हैं। तो 1/-10 - 1/u इज इक्वल टू 1/-15, ठीक है। 1/u को इधर अगर मैं ले जाऊँगी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -1/15 को इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी। तो क्या आ जाएगा, -1/10 + 1/15। तो 1/u हमारा कितना आ रहा है, एलसीएम लेते हैं इसका, 30, यह आ जाएगा -3 + 2, तो ये आ गया -1/30। 1/u -1/30 है, इसका मतलब u कितना है, u है -30 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ को हमने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नीफिकेशन। तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन किसकी इक्वल होती है, इस केस में लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, वैल्यूज़ रख देते हैं। वी है -10 और यू कितना है, -30, ठीक है। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, कितना आ गया, 1/3। 1/3 यानी ये आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.34 के आसपास, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट तो होते नहीं है, तो 0.34 यानी 1/3। मैग्नीफिकेशन 1/3 आने का मतलब क्या है, कि जो इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, वो ऑब्जेक्ट की हाइट का 1/3 है। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 3 सेंटीमीटर है तो इमेज कितनी बन रही है हमारी, 1 सेंटीमीटर की बन रही है, ठीक है। तो ये, और मैग्नीफिकेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आने का मतलब क्या है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज तो हमें पता है, हमें पता है मैग्नीफिकेशन और किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज की हाइट भी पॉजिटिव है। तो इमेज कैसी बन रही है हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। इमेज हमारी डिमिनिश बन रही है, ऑब्जेक्ट की साइज की 1/3 बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो पीछे हमने सारे साइन कन्वेंशंस पढ़े हैं उनको अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जाम्पल टू, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आएगा ये। अब हमें क्या दे रखा है, एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी ये हमें दे रखी है ऑब्जेक्ट की हाइट, पॉजिटिव रखें या नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा हम पॉजिटिव ही रखते हैं। ऑब्जेक्ट तो हमने कैसे रखा हुआ है, हमेशा इस तरह से एक्स एक्सिस से ऐसे सीधा ऊपर हमने रखा हुआ है, इसको हमने परपेंडिकुलर रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। इस बार लेंस हमें कैसा गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस हमें गिवन है, ठीक है। और उसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, कन्वेंशनली पॉजिटिव ही हम इसको मानते हैं। तो फोकल लेंथ यहाँ पर हो गई +10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी हमें यू दे रखा है। अब क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से हमें जाना पड़ रहा है लेफ्ट में, तो यू क्या होगा, यू होगा -15 सेंटीमीटर। यू यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव ही लेकर चलेंगे किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो मिरर का क्वेश्चन है चाहे वो लेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है।
फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज. हमें क्या क्या निकालना है, एक तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल है या रियल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, और हमें निकालनी पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ पर बनेगी, यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है ऑप्टिकल सेंटर से, और साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है. ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन भी हमें फाइंड करना है. बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ फाइंड करनी है. तो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे अपना लेंस फॉर्मूला. लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/v - 1/u = 1/f. वैल्यूज़ रख देते हैं. 1/v, वी तो हमें फाइंड ही करना है, माइनस 1/u यानी 1/-15, दिस इज इक्वल टू 1/10. क्या बन गया ये, 1/v, माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10. 1/15 को ले जाते हैं उधर, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15. एलसीएम लिया, 30 आ गया, ऊपर आ गया 3, यहाँ आ गया 2, तो ये आ गया 1/30. 1/v 1/30 है, इसका मतलब v हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव. तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी ऑप्टिकल सेंटर से, और ये पॉजिटिव है. ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से हमें किधर जाना है, राइट की तरफ जाना है. तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जब आप राइट की तरफ जाओगे तो 30 सेंटीमीटर दूर आपको इमेज यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी. ठीक है, इधर की तरफ इमेज बन रही है तो ऑब्वियसली कैसी होगी, वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्योंकि लेंस के राइट में तो सच में ही जाकर लाइट रेज मीट कर रहे होंगे. ठीक है, और फाइंड करते हैं. ठीक है, ये हमें मिल गया वी. वी कितना है, प्लस 30 सेंटीमीटर. तो जो इमेज कहाँ बन रही है वो तो हमें मिल गया. और हमें क्या निकालना है, हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, मैग्नीफिकेशन निकालनी है. मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं पहले. तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू. वी कितना है, 30 है, और यू हमारा कितना है, यू था हमारा -15. तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, -2. यानी हमारी जो इमेज है वो, उसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल है. और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीफिकेशन -2. मैग्नीफिकेशन और किसकी इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के. तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारी इमेज की हाइट नेगेटिव है. तो नेगेटिव m इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, मतलब उसकी जो हाइट है वो कैसी है, वो नेगेटिव है. कैसे पता चला हमें ये, m के नेगेटिव साइन को देखकर हमें पता चला. ठीक है, और क्या हमें फाइंड करने को बोला है, हमें बोला है आप फाइंड कीजिए मैग्नीफिकेशन हो गया, हाइट ऑफ इमेज. तो ठीक है, मैग्नीफिकेशन तो हमें पता ही चल गया. अब हमें पता है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. वैल्यूज़ रख देते हैं, मैग्नीफिकेशन है -2, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 2. तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितनी आ गई, 2, -2 × 2 यानी -4 सेंटीमीटर. क्या हमें दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट था हमारा 2 सेंटीमीटर का और इमेज बनी है 4 सेंटीमीटर की. यानी इमेज जो है वो, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल है, यानी मैग्नीफिकेशन 2 है. हाइट के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है. तो इस नेगेटिव साइन से भी हमें सेम यही बात पता चल रही है कि हमारी जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी. ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर होगा आपको. ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. इस बार हमें क्या दे रखा है, कॉनकेव लेंस दे रखा है और उसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर. तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हम कन्वेंशनली क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव. तो एफ है हमारा -15 सेंटीमीटर. इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. ये जो इमेज बना रही है वो कहाँ बना रही है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी, आपको याद होगा कॉनकेव लेंस है तो हमेशा वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बनाता है. और वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनती है, अगर सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसकी वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, वो उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा. तो यहाँ पर जो वी है वो हम कैसा कंसिडर करेंगे, वी को हम यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि इमेज तक जाने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा.
रियल इमेज तो ये कभी बनाता ही नहीं है, रियल बनाता होता तो इमेज कहाँ बन रही होती, राइट की तरफ बन रही होती। तो वी जो हमें इमेज का डिस्टेंस दे रखा है वो हमें कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर तो दे ही रखा है, हमें वो लेना पड़ेगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इमेज लेंस के लेफ्ट में बन रही है, ये हमें पक्के से पता है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, सिंपल से हमें एक चीज़ निकालनी है, यू कितना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वही अपना लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, वैल्यूज रख दी, तो 1/-10 -1/u इज इक्वल टू 1/-15। यू को उधर, 1/u को उधर ले गए, पॉजिटिव हो गया, इसको उधर ले आते हैं, तो -1/10 -1/15 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 1/u इज इक्वल टू -1/10 +1/15, एलसीएम लिया, सेम ही नंबर आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, 30 आ गया, -3 +2 तो ये आ गई -1/30, तो यू हमारा कितना निकल कर आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में रखा है, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है वो चीज़। ठीक है, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपको लेंस फॉर्मूला लगा के बिना रे डायग्राम बनाए आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि इमेज कैसी बन रही है और कहाँ पर बन रही है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, पावर ऑफ अ लेंस। एक लेंस की पावर, इसका क्या मतलब है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज। कोई एक लेंस पर जब लाइट रेज पड़ रही हैं तो वो उस उन लाइट रेज को कितना कन्वर्ज कर पाता है, या अगर वो कॉनकेव लेंस है तो कितना डाइवर्ज कर पाता है, कितने डिग्री तक कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाता है, वो बताने वाली क्वांटिटी है पावर ऑफ अ लेंस। मतलब क्या है इसका, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, सपोज कीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ पर कहीं पर उसका फोकस है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो है इसकी फोकल लेंथ। इस पर आकर पड़ रही है पैरेलल लाइट रेज, ऐसे आकर पड़ रही है पैरेलल लाइट रेज, अपर्चर बना लेते हैं इसका। तो वो पैरेलल लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमें पता है वो फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, तो ये लेंस क्या कर रहा है, इन पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है, फोकस पर कन्वर्ज कर रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए एक दूसरा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो बड़ी है, तो इसका फोकस कहाँ है, यहाँ कहीं पर है, दूर है, तो ये जो फोकल लेंथ है ये कैसी है, पहले वाली से ज़्यादा है। इस पर भी पैरेलल लाइट रेज आकर पड़ रही है बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले वाले पर पड़ रही थी, तो ये क्या करेगा, ये भी इन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आ रही है उन्हें फोकस पर जाकर इकट्ठा कर देगा। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पैरेलल लाइट रेज हैं यहाँ पर तो ये ज़्यादा बेंड हुई है ना, इस फोकस तक आने के लिए इन रेज को ज़्यादा बेंड होना पड़ा, जबकि यहाँ क्योंकि फोकस दूर था तो इन रेज को कम बेंड होना पड़ा। ये फोकस सपोज कीजिए और भी ज़्यादा दूर होता, ये यहाँ कहीं पर होता, तो ये रेज कितना बेंड होती, ये रेज और कम बेंड होती है ना, बस इतना ही बेंड होती, कम बेंड होती। इसका मतलब क्या है कि इस कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर किस पर डिपेंड करती है, ये लाइट रेज को कितना कन्वर्ज कर पा रहा है ये किस पर डिपेंड करता है कि हमारे लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। फोकल लेंथ कम है तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, फोकल लेंथ ज़्यादा है तो कन्वर्जिंग पावर कम है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फोकल लेंथ हमें लेंस की पता है तो उससे भी हम लेंस की कन्वर्जिंग पावर को फाइंड कर सकते हैं। फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी, यानी ये कैसे हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इससे ही हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है पावर ऑफ अ लेंस, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/f के। सेम ही बात अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस में, तो वहाँ हम कन्वर्जेंस की जगह क्या देख रहे हैं, डाइवर्जेंस की पावर, कितना एक्सटेंट, कितना ज़्यादा डिग्री से वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर पा रहा है।
वहाँ भी आप यही देखोगे कि फोकल लेंथ कम है, तो क्या हो रहा है, ज़्यादा डाइवर्ज हो रही है लाइट रेज, और फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा है उतनी ही लाइट रेज कम डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस जो हमें बताता है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज बाई अ लेंस, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1/f के, 1/ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी फोकल लेंथ के वो हमें दिखाई दे रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें दिखाई दे रही है। फोकल लेंथ अगर ये कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी। ठीक है, इस पावर को मेजर करने की जो SI यूनिट है वो है डायोप्टर। ठीक है, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर या -3 डायोप्टर, इस तरह से हम पावर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर में, है ना, ऐसे ही हम पावर को मेजर कर रहे हैं, पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो फोकल लेंथ हमने ली है वो सेंटीमीटर में नहीं चलेगी, वो भी अपनी SI यूनिट में होनी चाहिए, तो उसको हम किस में लेंगे, हमेशा मीटर में ही लेंगे। तो पावर की SI यूनिट क्या है, डायोप्टर है, और वो कब निकल कर आएगी, जब फोकल लेंथ भी आपने SI यूनिट में ले रखी है, तो लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो फोकल लेंथ को आपको यहाँ पर मीटर में ही रखना पड़ेगा। इफ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर्स, तो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। 1 डायोप्टर, अब 1 डायोप्टर पावर आप किसे कहेंगे, आपको पता है पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। ठीक है, हम कह रहे हैं किसी लेंस की पावर 1 डायोप्टर है, डायोप्टर को कैसे हम डिनोट करेंगे, कैपिटल डी बनाकर। वो कब हो सकती है, ऊपर तो 1 है ही, जब यहाँ नीचे भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी लेंस की फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो उसकी पावर कितनी होगी, उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। एक ऐसे लेंस की पावर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी पावर ज़रूर 1 डायोप्टर ही होगी। ठीक है, तो 1 डायोप्टर पावर का मतलब क्या है, हमारे पास एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, क्योंकि पावर किसकी इक्वल है, पावर तो इक्वल है 1/f के। अब हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये f पॉजिटिव होता है तो पावर भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, ये जो f है ये कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, तो हमारी पावर भी नेगेटिव ही निकल कर आएगी। बहुत सारे लेंसेज हमने कांटेक्ट में रखे हुए हैं, उनकी नेट पावर आप कैसे निकालेंगे। सपोज़ कीजिए हमने यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, उसी से मिलाकर एक कॉनकेव रखा है, फिर एक कॉन्वेक्स रखा हुआ है, फिर एक कॉनकेव रखा हुआ है, हमें कह रहे हैं ये जो हमने सिस्टम बना दिया अब इसकी नेट पावर निकालिए, तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाले की पावर है ये P1, इसमें ऐड कर देंगे दूसरे वाले की पावर, उसमें ऐड कर देंगे तीसरे वाले की पावर, उसमें ऐड कर देंगे चौथे वाले की पावर, साइन का ध्यान रखते हुए। सपोज़ पहले वाले की पावर है कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव होगी, 2 डायोप्टर, उसमें हम ऐड करेंगे दूसरे की पावर, ये कॉनकेव लेंस है, पावर इसकी नेगेटिव होगी। सपोज इसकी पावर है -1.5, ऐड कर दिया, प्लस फिर कॉन्वेक्स लेंस है, सपोज इसकी पावर है 3 डायोप्टर, ऐड कर दिया, ये कॉनकेव लेंस है, इसकी पावर कैसी होगी, नेगेटिव, सपोज इसकी पावर है -2, ऐड कर दिया, तो ये जो टोटल सम हमारे पास आएगा ये आएगी इस सिस्टम की नेट पावर। मिलाकर ये सारे लेंसेज लाइट रेस को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल सा ही हमारा टॉपिक है, आपको ध्यान क्या रखना है, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। ठीक है, और पावर की यूनिट क्या है, डायोप्टर। इस पे भी 2-3 क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बस आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 सबसे पहले हम देख रहे हैं, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर, मीटर में गिवन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ध्यान क्या देना पड़ेगा, लेंस कैसा दे रखा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी हम कंसिडर करते हैं, नेगेटिव। यहाँ अगर कॉन्वेक्स लेंस हमें दे रखा होता तो इसकी फोकल लेंथ हम क्या कंसिडर करते हैं, हम पॉजिटिव कंसिडर करके चलते। तो आपको यहाँ पर एक नेगेटिव साइन अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। तो एफ हमारे पास है -2 मीटर, हमें बोला है पावर निकालिए, पावर किसके इक्वल होता है, 1/f के,
वन अपॉन एफ यानी वन अपॉन माइनस टू, तो पावर आपके पास कितनी आ गई, ये आ गई माइनस 0.5 डायोप्टर्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर। इस बार हमें पावर दे रखी है, हमें बोल रहे हैं फोकल लेंथ फाइंड कीजिए, और फिर आप ये बताइए कि किस टाइप का लेंस है, ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। कैसे पता चलेगा, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आती है तो कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आती है तो कॉनकेव है। तो फाइंड करते हैं, हमें पता है पावर इज इक्वल टू वन अपॉन एफ इन मीटर्स। एफ को किस में रखना है, हमेशा मीटर में, तो जो फोकल लेंथ यहाँ निकल कर आएगी वो मीटर में निकल कर आएगी, वो सेंटीमीटर में निकल कर नहीं आएगी। पावर हमें दे रखी है माइनस टू, रख देते हैं यहाँ पर वन अपॉन एफ। इसका मतलब क्या है, एफ हमारा कितना निकल कर आ गया, एफ हमारा निकल कर आ गया माइनस वन अपॉन टू, यानी कि माइनस 0.5 मीटर। ठीक है, एफ हमारा कैसा आ रहा है, एफ हमारा आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एफ है नेगेटिव। इसका मतलब हमारा जो लेंस है वो कैसा है, वो कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस यानी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कॉनकेव लेंस हमेशा होते हैं डाइवर्जिंग लेंस, तो हमारा जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कब आता है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती। ठीक है, वैसे तो पावर को देखकर भी आपको पता चल रहा होगा, पावर नेगेटिव है तो पक्के से कॉनकेव लेंस है, पावर पॉजिटिव होती तो पक्के से कॉन्वेक्स लेंस ही होता। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डी। पावर हमें दे रखी है पॉजिटिव 1.5। पॉजिटिव पावर देखते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेंस पक्के से कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि पॉजिटिव पावर तो तभी आएगी जब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ फाइंड कीजिए। तो वही ऊपर वाला फॉर्मूला है हमारे पास, पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। इसका मतलब 1.5 इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो एफ हमारा कितना निकल कर आया, 1 अपॉन 1.5। कितना आ गया, कितना हो गया 10/15, यानी ये हो गया 2/3। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास आ जाएगा 0.67 मीटर। ये आ गई हमारे लेंस की फोकल लेंथ, पॉजिटिव आती हुई दिखाई दे रही है हमें, तो क्या दिखाई दे रहा है, हमारा एफ कैसा है, एफ इज़ पॉजिटिव, तो इसका मतलब लेंस कैसा होगा, लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। और पूछा क्या है, इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस। जैसे कि हमने बात की थी जब हमने, जिस वीडियो में हमने रे डायग्राम्स बनाए थे उसमें हमने बात की थी, कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चैप्टर, हमारा ये जो लाइट चैप्टर है कि आज हो गया ख़त्म। तो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे, या तो केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, या बायो का, या मैथ्स का, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक, जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं होता, आपको क्या करना है, आपको ये सारा चैप्टर, लाइट चैप्टर, बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप इसके रे डायग्राम्स सही से बना पाएंगे। तो ठीक है, फिर आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ये जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये सब आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।